पहले गांव में, फिर ब्लॉक में, और ब्लॉक से अब जनपद स्तर पर मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम होने जा रहा है। चित्रकूट के गणेश बाग स्थल पर यह कार्यक्रम आयोजित होने वाला है और प्रशासन का कार्यक्रम है, लेकिन सरकार की दिशा और निर्देश क्या है ये बड़ा समझने योग्य है, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम किया था। पूछेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री हमारे साथ है, क्या ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सीधा जवाब है भाजपा की ओर से? ये कुछ कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश तो आप लोग कर रहे हैं। इस यात्रा का जो संदर्भ है वो किसी अन्य से नहीं है, हमारे देश का प्रारंभ से ये नियम रहा है कि किसी न किसी बहाने यात्राएं होती रही, चाहे शंकराचार्य ने यात्रा किया हो, चाहे लोग मेला में यात्रा करते हों, विभिन्न माध्यमों से यात्रा करने पर लोग एकता का अनुभव करते हैं और अपनी जो संस्कृति है उससे जुड़ते हैं। वर्तमान में ये अमृत यात्रा जो अमृत कलश इकट्ठे करके और दिल्ली में इकट्ठा किया जाना है, ये पूरे भारत के प्रत्येक गांव से मिट्टी का संकलन और उसको फिर उसमें वृक्ष लगाया जाना, वन लगाया जाना, ये जो कार्यक्रम है ये किसी एक पदयात्रा से इसका कोई लेना देना नहीं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये कार्यक्रम हो रहा है, सर पर लोकसभा चुनाव है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पैदल चल कर की थी, आपने गांव में आयोजित करवाया, फिर ब्लॉक में आयोजित करवाया, इसके बाद जनपद स्तर पर हो रहा है, फिर लखनऊ में होगा, फिर दिल्ली में होगा, तो कुछ तो खास वजह है। लोकसभा का चुनाव अपने समय में हो रहा है, लेकिन चूंकि ये आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत वर्ष मना रहे हैं, और अमृत वर्ष के नाते आपको ध्यान होगा कि हर गांव में हम लोगों ने ब्लॉक में 75 तालाब बनवाए और कई ऐसे कार्यक्रम किए जो 75 वर्षों की याद दिलाता है। उसी के संदर्भ में ये नई दिल्ली में एक स्मृति में हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनकी स्मृति में बल लगाया जाना है। लेकिन सीधी बात बताने से आप कहीं ना कहीं बच रहे हैं, प्रधानों को जोड़ना, गांव की जनता को जोड़ना, जनपद के प्रशासन को जोड़ना, तो कहीं ना कहीं वोट साधने की कोशिश तो है। नहीं, ये कार्यक्रम इसका कहीं दूर से भी उन बातों से संदर्भ नहीं है, इनका संबंध सीधा सीधा इससे है कि हम अपने भारत की जनता को आज़ादी के जो आज़ादी का जो संग्राम हुआ था उसमें जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, बलिदान हुए, उन सब की स्मृति फिर से उत्पन्न हो, इसके लिए जगह जगह जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो बलिदान हो गए उनकी मूर्तियों में माल्यार्पण किया गया, और जहां अन्य हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग थे या पुलिस के लोग थे उनकी भी हम लोगों ने जो प्रतिमाएँ थी उनमें माल्यार्पण किया, और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने की बात है, वो अभियान चल रहा है। प्रमुख जी, आज मेरा माटी मेरा देश का कार्यक्रम है, मानिकपुर ब्लॉक की क्या सहभागिता है और कितनी सहभागिता, क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम से? से 62 गांव से ये मिट्टी मानिकपुर ब्लॉक में इकट्ठा हुई थी, मानिकपुर से 2 घड़ों में मिट्टी भर करके पूरे ब्लॉक के सभी गांव की मिट्टी आज जनपद पर आई है, और इसका यही संदेशा है कि जो पहले लोगों का स्नेह था अपनी मिट्टी से वही इसने बना रहे और लोगों में आपसी सौहार्द की भावना स्थापित हो, यही असली। तो बांदा सांसद आर के सिंह पटेल हैं, मेरी माटी मेरा देश के जनपद स्तरीय इस कार्यक्रम का क्या जवाब है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जवाब है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन तमाम अमर शहीदों को याद करने के लिए मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम अमृत काल में बनाने का निर्णय लिया, और उसी कड़ी में आज चित्रकूट जिले के सभी ब्लॉकों से, नगर पंचायतों से जो कलश आए हैं वो कलश यात्रा आज यहाँ पर गणेश बाग में ला करके, और ये कलश जो है वो लखनऊ और दिल्ली जाएंगे, तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, और ऐसे मौके पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने उन तमाम अमर सपूतों को जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने में, चाहे मुगलों से लड़ी हो चाहे अंग्रेजों से लड़ी हो, और वो जो शहीद हुए थे जिनका कहीं नाम निशान नहीं था, ऐसे तमाम बलिदानियों को याद करने के लिए ये मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो ये चलते चलेंगे, क्या कहते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, पहले गांव में किया, फिर इसके बाद ब्लॉक में किया, अब जनपद में हो रहा है, तो वोट साधने का बहुत बड़ा एक सिस्टम है। नहीं, ये तो जो स्वतंत्रता के शहीद है, सैनिक शहीद हुए हमारे, पुलिसकर्मी शहीद, उनके सम्मान में हो रहा है, वोट तो हमारे साथ आई है,
वोट साधने की जरूरत अब नहीं है। हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष भी है, इनसे भी जानकारी लेंगे। आज का ये जो जनपद स्तरीय प्रोग्राम है, पहले ब्लॉक से लेकर के गांव से लेकर के ब्लॉक आया, ब्लॉक से क्या कहते हैं जनपद पर आ गया है, तो क्या ये प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने का एक प्रयास है? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपनी माटी के लिए, गाय के लिए, गंगा के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल इस तरह इसलिए कार्यक्रम नहीं करती है कि सत्ता आने के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भारत माता की जय, गंगा की जय, गो और गाय की जय इस नारे के साथ भी काम करती है। और इसलिए ये हमारा सत्य सनातन धर्म है, हम उसके राष्ट्र के लिए समर्पित है, उसी के आज हाथ मेरा माटी मेरा देश के तहत। तो बड़ी बात यहाँ कही है कि प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने का कार्यक्रम है, तो कुछ ना कुछ निकल करके तो आ ही जाता है। भारत जोड़ो यात्रा का सीधा जवाब कहा जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक सीधा बड़ा जवाब देने की कोशिश में है। और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये जो कार्यक्रम हो रहा है, वोट साधने का एक बहुत बड़ा तरीका आजमाया है बीजेपी ने।